और इस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस की खेमे से जो बड़ी खबर आ रही वो आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि पिछले 6 महीनों में पहली बार मॉस्को को महायुद्ध में जीत का पहला स्वाद चखने को मिला है। डॉनबास की जंग में रूस समर्थित वैगनर ग्रुप ने दावा ये किया है कि उन्होंने बखमूत पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के सैनिक बखमूत में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए ज़ेलेंस्की परेशान है। हालांकि बखमूत शहर से आई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे युद्ध ने एक शहर को बर्बाद कर दिया और लोगों के हिस्से में जिंदा रहने की चुनौती ही बाकी छोड़ी है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त घमासान चल रहा है और बखमूत में रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि रूस अगर भाड़े के लड़ाकों से बखमूत को जीतने की कोशिश में है तो यूक्रेन की सेना को बखमूत में वैगनर ग्रुप ने चारों ओर से घेर लिया है। 2 दिनों से रूस दावा कर रहा है कि बखमूत घेर लिया गया है और 20,000 यूक्रेनी सैनिक बखमूत से निकलने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही सड़क छोड़ी गई है। The city was practically surrounded, with only one route out left open for Ukraine's troops. From visible buildings, Reuters determined the footage was filmed in a village 4 miles north of the center of Bakhmut. आज बखमूत अंदर से शांत है, शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वैगनर ग्रुप का दावा है कि उन्होंने बखमूत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेनी सेना अभी भी डटी हुई है और बखमूत के बाहरी इलाकों में अभी भी भीषण जंग जारी है। महीनों से लड़ाई का मुख्य केंद्र रहे बखमूत पर कब्जा करने की वैगनर की कहानी पर कितना भरोसा किया जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इलाके में तैनात यूक्रेनी सेना के कमांडर का दावा है कि वैगनर ग्रुप उनके सामने घुटने टेक चुका है। І вони намагаються впросити українську армію піти з міста Бахмут, щоб ми не обороняли далі місто і тим самим захопити місто малою кров'ю. Але вони вже стільки положили людей, що катастрофа для ЧВК «Вагнер» та російської армії, вона просто неминуча. Бахмут ми джесе-джесе лідай тез готи жа рахі хе, весе-весе аге ке морче пар рахе-рахе лого кі парешані бадти жа рахі хе. Голі барі ке біч ме зіндгі ко бачані ке джад-до-джад бадти жа рахі хе. Тобі тяжело, гуманітарку раз в місяць здают. Нету света, ні води, ні газа, ні газа, нічого нету. Нічого нету. Живем только что дровами топи, хоть тепло. Вот это вот по соседству люди разрешили, говорят, собирайте хоть дрова вот такие вот. И мы носим, а что делать, топим. Пенсии нету. Пенсии он болеет, нету. Таблетки даже не за что купить, мужики. एक तो रूस और यूक्रेन के सैनिकों की जंग चल रही है, बम और रॉकेट के गोले कब किस घर पर गिरे पता नहीं है, तोपों से जंग चल रही है, टैंकों से जंग चल रही है। दूसरी तरफ जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल सिर्फ खाने तक की नहीं है, रहने और इस ठंड में किसी तरह से जान बचा लेने की भी है। युद्ध ने पूरे बखमूत को बर्बाद कर दिया है और अभी भी बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में ये पहली बार है जब रूस ने बड़ी जीत का दावा किया है और जिस तरह से हालात बखमूत के हैं कहना मुश्किल है कि कब तक यहाँ यूक्रेन की सेना टिक पाएगी।